अबे केस तो इधर, पिछले एक घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ। अबे एक घंटे से खड़ा तो स्कूल में क्यों नहीं गया? तुम ही लोगों ने तो कहा था एक साथ जाएंगे। भाई ये तो अलग ही सस्ते नशे में डूबा है, पर अभी तो स्कूल का गेट भी बंद हो गया होगा, अब हम क्या करें? हम कौन सा डेली गेट से स्कूल जाते हैं। वाह, आज फिर से लेट। तुम लोग में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अगर होती तो थोड़ी डेली स्कूल आता। साइलेंस। और केश, तुम भी इन लफंगों के साथ घूमते घूमते ऐसे बन जाओगे। तुम्हारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है क्या? ड्रग्स में क्यों रखूंगा? नॉट ड्रग्स, लक्ष्य। पक्ष? केश कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। ओके, जस्ट डू अ वन फेवर टू मी। तुम लोग सर घड़ी पे देख के बताओ कि तुम लोग कितने टाइम पे लेट आए हो। क्या सर, हम तो टाइम पे ही आए हैं। लेट नहीं आए हो, यू आर 15 मिनट्स लेट। सर अगर आपको घड़ी देखना आता है तो हमसे क्यों पूछा? गुड गुड, ऐसे ही करते रहो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे सारे दोस्त गाड़ियों में घूम रहे होंगे और तुम अपनी उसी साइकिल पे। सर और साइकिल नहीं, सुंदरी। हाँ, उसी सुंदरी के साथ। सर हम 15 मिनट ही तो लेट आए हैं। जो 15 मिनट पहले आए हो वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे? ओ यस, थोड़ी सी तो ख्याल रख ले, पीछे अगर सीनियर होंगे तो क्या कहेंगे? क्या वो वाले सीनियर? ओके लक्ष्य। ओए केस, थोड़ा तेरा AK-47 दे तो मुझे। इससे क्या होता है? पता नहीं यार, सीनियर्स लोग ने कहा है इससे बंदियां सेट होती है। पर सीनियर्स लोग तो खुद ही सिंगल है। अरे अरे कम फूल डाल रहा हूँ ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अबे यश, गोलू दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाली तो मेरी होगी पक्का, अब मैं सिंगल नहीं बनूंगा। पर क्यों मारा? अरे भाई तुझे भी मारा। क्या तुझे भी? अरे ये पीछे तुम दोनों क्या खुसर खुसर कर रहे हो? खुसर खुसर नहीं, बात कर रहे थे। बात पता है ना, एग्जाम हॉल में बात करना मना है। शांत हो जाओ, एग्जाम में बात करना मना है। तुम दोनों का एग्जाम पेपर छीन लो। मैम छीन लो तो इससे एक बहाना मिल जाए कि मैम ने एग्जाम पेपर छीन लिया, नहीं तो एग्जाम अच्छा जाता। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी प्राइवेसी की धज्जा उड़ा के रख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम अपने फोन कहीं छोड़ के जाओगे ये पक्का चेक करेंगे, और अगर तुम बोल के जाओगे मेरे फोन पे किसी का भी फोन आए तो उठाना मत, फिर तो पक्का उठाएंगे। और चलो फोन उठा लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बात भी तो करो सामने वाले से। फोन उठा के चुपचाप खड़ जाएंगे। इनको पता लगाना होता है कि सामने वाला कौन है, क्योंकि इनको लगता है कि तुम्हें बस लड़कियां ही फोन करेगी। हेलो, ये कौन लड़की फोन कर रही है तेरे को? अरे मम्मी आकाश है, ध्यान से सुनो। तो इसकी आवाज लड़की जैसी क्यों आ रही है? क्योंकि दिमाग में लड़की घुसा के रखी है आपने, और लड़की बोल के उसकी अलग बेइज्जती मार रहे हो। क्या सच में मेरी आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं। आवाज इतनी लड़की जैसी है? कहीं मैं सच में तो लड़की नहीं। बहुत हो गया, अब मैं अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करूंगा। और इसी तरह आकाश ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेबी एक बार फिर से बोलो ना, प्लीज ना। रिचार्ज करवाओ ना सोना बाबू। विंगार्डियम लेवियोसा। सुनो, मेरी सारी जायदाद मेरी बेबी के अकाउंट में डाल दो। और हाँ, 253 का रिचार्ज। 256 का बाबू। 256 का रिचार्ज भी कर दे। हो गया सर, हो गया, काउंटर मत तोड़ो हमारा, हो गया। बेबी 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 बेबी। सब छोड़ के चले जाते हैं।